हे गाइस, एक बार फिर से क्रेजी फॉर टीवी लौट आया है बीते दिनों के साथ बड़ी खबरें लेकर। तो जल्दी से आपको बताते हैं बीते 7 दिनों के साथ बड़ी खबरों के बारे में। हफ्ते में छाने वाली पहली टॉप न्यूज, सामने आए कुंडली भाग्य के नए स्टार कास्ट। मेकर्स ने हाल ही में कुंडली भाग्य के नए स्टार कास्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। शो में बसीर अली, सना सैद और पारस कलनावत नए लीड के तौर पर सामने आए। शो की नए स्टार कास्ट को जनता का मिक्स रिस्पांस मिल रहा है। वहीं हर कोई ये भी सवाल उठा रहा है कि क्या लीड के बाद शो पहले जैसा कमाल कर पाएगा। हफ्ते में छाने वाली दूसरी टॉप न्यूज, शादी के बंधन में बंधी एकता की एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी। बीते पूरे हफ्ते कृष्णा की शादी की खूब धूम रही। तमाम टीवी स्टार्स ने कृष्णा और चिराग की शादी में शिरकत की, जो कि गोवा में हुई। कृष्णा की मेहंदी से लेकर संगीत और बाकी रस्मों की तमाम झलकियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। बता दें कि कृष्णा ने नेवी ऑफिसर चिराग बाटलीवाला से शादी की है और दोनों की ये शादी बंगाली और पारसी दोनों रीति रिवाजों से 13 मार्च को गोवा में हुई। हफ्ते में छाने वाली तीसरी टॉप न्यूज, बंद हो रहा एकता का शो मोल्की 2, हर कोई हैरान। 13 फरवरी को एकता कपूर का शो मोल्की 2 ऑन एयर किया गया, लेकिन हाल ही में जैसे ही खबर सामने आई कि ये शो महज एक महीने बाद बंद हो रहा है और शो का आखिरी एपिसोड भी शूट कर लिया गया है, हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि शो को बंद करने का फैसला चैनल ने इसकी कम रेटिंग्स के कारण लिया है। आने वाले दिनों में चैनल पर बैक टू बैक कई नए नए शोज आने वाले हैं, ऐसे में चैनल ने इस शो को बंद करने का फैसला रातों रात लिया। हफ्ते में छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, गुम है किसी के प्यार में शो में हुई नए लीड एक्टर की एंट्री, खुश हुए फैंस। स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में शो में सई की अपोजिट मेकर्स ने एक्टर हर्षद अरोड़ा की एंट्री करवा कर जनता को बड़ा तोहफा दे डाला है। शो में हर्षद डॉक्टर सत्या नाम के किरदार में नजर आएंगे। शो में उनकी एंट्री की जा चुकी है और उनकी एंट्री से फैंस को काफी मजा आ रहा है और वो खुश भी हैं। हफ्ते में छाने वाली पांचवी टॉप न्यूज, शिवांगी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई भर्ती। हाल ही में शिवांगी जोशी ने अपने एक पोस्ट से सभी को हैरत में डाल दिया। दरअसल शिवांगी ने अस्पताल से अपनी इस तस्वीर को शेयर किया और इसी के साथ खुलासा किया कि वो किडनी इन्फेक्शन से जूझ रही हैं, जिसके बाद शिवांगी को लेकर हर कोई चिंता जाहिर करने लगा। हफ्ते में छाने वाली छठी टॉप न्यूज, नए शो से वापसी को तैयार जेनिफर विंगेट। खबरें सामने आई है कि टीवी की माया यानी कि एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट सोनी टीवी के नए शो से वापसी करने जा रही हैं, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे विशाल आदित्य सिंह। हफ्ते में छाने वाली सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, नागिन 7 को लेकर इस एक्टर ने किया ये खुलासा। टीवी एक्टर गुलतेशम ने हाल ही में खुलासा किया कि नागिन के मेकर्स ने उन्हें नागिन 7 के लिए कंफर्म कर लिया है और वो नागिन 7 में अहम रोल निभाते नजर आएंगे। वहीं गुलतेशम ने ये भी बताया कि शो नागिन 6 के 3 महीने के बाद फ्लोर पर आने वाला है। हालांकि अभी मेकर्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। फिर तो यह है इस हफ्ते छाने वाली 7 बड़ी खबरें।